फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 14 फरवरी 2020 वैलेंटाइंस डे स्पेशल शो जो है अब खत्म हो चुका है। पूरे रिजल्ट्स के बारे में करेंगे डिस्कस। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की शो की हम फटाफट से बात करते हैं गाइस। तो ये इतना भी अच्छा शो नहीं था, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। और सबसे बोरिंग था इसका स्टार्ट जो कि था मोमेंट ऑफ ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस आते हैं और वो बात करते हैं, कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता है शो में। अलेक्सा कहती हैं कि ये पहला मोमेंट ऑफ ब्लिस का एपिसोड है साल 2020 का। और बेसिकली वो इनवाइट करते हैं कार्मेला को जो कि नंबर वन कंटेंडर हैं अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की। वो आती हैं बाहर और वो कहती हैं किस तरीके से वो आज बनने वाली नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और बेली बाहर आके कहते हैं कि तुम कुछ भी बोलते रहो लेकिन मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है और कार्मेला कहती हैं कि हमें बात तक रुकने की क्या जरूरत है, हम अभी लड़ते हैं अपना मैच और अभी इस बात को देख लेते हैं। तो हमें मैच देखने को मिलता है कार्मेला और बेली के बीच में फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। एक ठीक ठाक मैच था, क्राउड काफी इन था गाइस इसके अंदर। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी आज स्मैकडाउन, तो क्राउड काफी अच्छा था मेरे को लगा इस शो का। और इस मैच की जो एंडिंग होती है वो थोड़ी अलग सी हुई गाइस, क्योंकि बेली अपने हील टैक्टिक्स यूज करती है, कार्मेला को रोल अप तो करती है और उसके बाद रोप्स की मदद लेके उनको पिन कर देती है, रेफरी की नजर उस पर नहीं जाती है। तो यहां से बेली ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया और इसके बाद कार्मेला को वो अटैक करने की कोशिश करती है फिर से, लेकिन नायोमी आ जाती है बाहर और वो भी उनको अटैक करते हैं। और फिर कार्मेला और नायोमी जो मिलके हैं बेली को रिंग से बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि नायोमी को भी एक मैच चाहिए अब बेली के अगेंस्ट और कार्मेला को अपना एक रीमैच चाहिए क्योंकि बेली एक सही तरीके से इस मैच को नहीं जीती है। तो इस वजह से अगले हफ्ते के लिए अनाउंस हो चुका है कि कार्मेला लड़ेंगी नायोमी से और जो भी उस मैच को जीतेगा वो बनेगा नया नंबर वन कंटेंडर और फिर उसका मैच होगा बेली के साथ एज सऊदी अरेबिया सुपर शोडाउन इवेंट। तो हमें एक बार फिर से वहां पे वुमेन्स मैच जो है वो देखने को मिलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है गाइज। और ये बेसिकली हमें सिचुएशन देखने को मिली, मुझे कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा अभी भी कुछ यहाँ पे वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। जो एक मिसिंग एलिमेंट है वो है साशा बैंक्स और वो कब वापस आएंगी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक हैंडीकैप मैच जहाँ पे शेमस ने हरा दिया अपोलो क्रूज और शॉर्टी जी दोनों को ही। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि शेमस एक ब्रोक किक लगाने की कोशिश करते हैं अपोलो क्रूज को, वो साइड से हट जाते हैं और शॉर्टी जी जो कि एप्रन पे खड़े होते हैं उनको ब्रोक किक लगती है और उसके बाद शेमस अपोलो क्रूज को भी एक ब्रोक किक लगाते हैं और उनको भी पिन कर देते हैं। तो पिछले हफ्ते भी मैंने यही बात बोली थी कि शेमस को कुछ नया दे दो भाई, इतने सारे सुपरस्टार्स हैं स्मैकडाउन में, क्या शेमस के लिए कोई भी एक फ्यूड नहीं सोच पा रही स्मैकडाउन की क्रिएटिव टीम, ये बहुत बेकार बात है। और जितनी बार वो उनको अपोलो क्रूज और शॉर्टी जी से लड़वाएंगे उतने ही बेकार उनका कैरेक्टर होता चला जाएगा। तो मैं कुछ खास इंटरेस्टेड था नहीं इस मैच में, मुझे पता था शेमस जीतने वाले हैं और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है एक लाइव वी सैटेलाइट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ द लेजेंड हल्क होगन और यहाँ पे उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरीके से वो एक बार फिर से हॉल ऑफ फेम में जाने वाले हैं इस बार NWO के साथ। तो हल्क होगन कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं NWO का एक काफी क्रूशियल पार्ट था। और दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि क्या गोल्डबर्ग द फीड को हरा सकते हैं सुपर शोडाउन में, तो वो कहते हैं कि मैं गोल्डबर्ग के प्राइम वाले टाइम में लड़ा हुआ उनसे जब वो अपने पीक पर थे, लेकिन इस समय भी गोल्डबर्ग को हमें जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि फीड को हरा सकते हैं। मुझे पता है कि फीड की पावर्स हैं और अलग अलग चीजों से वो मैचेस को जीत सकते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग का डेफिनेटली चांस है। और इस इंटरव्यू के ड्यूरिंग गाइज उनको इंटरप्ट करता है फायर फ्लाई फनाउस, ब्रे वायत आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हल्क होगन तुम जितना भी सपोर्ट कर लो गोल्डबर्ग को नहीं जीतने वाले वो सुपर शोडाउन में। और हल्क होगन कहते हैं कि तुम जो मर्जी कह लो मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूं। तो ब्रे वायत कहते हैं मुझे लक नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास है द फीड और मैं जीतने वाला हूं सुपर शोडाउन में। तो बेसिकली गाइज ये हमें देखने को मिली सेगमेंट और WWE का नया तरीका है कि लेजेंड्स को इंटरव्यू पे ले आओ ताकि उसकी वजह से थोड़ी रेटिंग्स बढ़ जाएं या फिर रेटिंग्स बिल्कुल ठीक रहें, क्योंकि हल्क होगन एक बहुत बड़ा नाम है और उनके लिए लोग ट्यून्ड इन होते हैं शो के अंदर। तो ये सेगमेंट ठीक थी, ऐसी भी बेकार नहीं थी, एक अच्छा प्रोमो था। और नेक्स्ट वीक गोल्डबर्ग आने वाले हैं लाइव एक बार फिर से और इस बार शायद वो अरीना में आएंगे स्मैकडाउन पर, तो हमें एक फेस टू फेस सेगमेंट भी उनकी देखने को मिल सकती है ब्रे वायत के साथ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद गाइज मेरे हिसाब से शो का सबसे बोरिंग पार्ट सैमी ज़ेन और सिज़ारो आते हैं रिंग के अंदर और वो आधे घंटे तक मुझे लगता है ऐसे खड़े होकर प्रोमो कट करे जा रहे हैं। एक दो चीजें वो बढ़िया बोलते हैं जिससे उनको बहुत बू मिलती है तो वो अच्छी बात थी। और यहाँ पर वो बेसिकली इलायस को मॉक करते हैं, उनके पास छोटा गिटार होता है यानी कि मैंडोलिन, सिज़ारो के पास भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। वो जैसे ही अपना गाना स्टार्ट करने वाले होते हैं इलायस उनको इंटरप्ट करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं
हैं और इनके बीच में बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। धीरे धीरे करके एलायस रिंग के अंदर आते हैं, सैमी ज़ेन फाइनली अपनी परफॉर्मेंस करते हैं गाइस, और ये ब्रेकआउट हो जाता है एक ब्रॉल में, जो कि ऑब्वियसली हर बार होता है WWE के अंदर। एलायस अटैक कर देते हैं सिजारो पर और फिर उन पर, क्योंकि दो लोग भारी पड़ते हैं, आ जाते हैं बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन बचाने के लिए उन्हें, और बेसिकली यहाँ पे हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और एलायस को अपर हैंड मिलता है। और मुझे नहीं पता कि कहाँ पर ये स्टोरी लाइन लीड करेगी, कैसे लीड करेगी, लेकिन जो भी ये सेगमेंट थी गाइस इतनी कुछ खास नहीं थी लेकिन एंटरटेनिंग हो गई थी एक समय पर। उसके बाद हमें देखने को मिलती है शो की सबसे बढ़िया चीज, जो कि थी ओटिस और मैंडी रोज की डेट, और ये डेफिनेटली पिछले कुछ हफ्तों में बेस्ट चीज है पूरे स्मैकडाउन शो पर। और हमें पूरे एपिसोड के ड्यूरिंग देखने को मिलता रहता है कि किस तरीके से ओटिस प्रिपेयर कर रहे हैं और मैंडी रोज रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी है जहां पे उनकी डेट होने वाली है। लेकिन जैसे ही डेट स्टार्ट होती है गाइस, ओटिस भी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वो पूछते हैं मैनेजर से कि कहां पर है मैंडी, उनको बताता है, गाइड करता है, और फिर हमें एक शॉट देखने को मिलता है कि मैंडी के ऊपर कोई हाथ रखता है उनके कंधे पर आकर, और उनको लगता है कि ओटिस आ चुके हैं, तो वो उनको वेलकम करते हैं उनकी तरफ बिना देखे, और वो ओटिस नहीं बल्कि होते हैं डॉल्फ ज़िगलर। और जब ओटिस पहुंचते हैं वो देख लेते हैं कि डॉल्फ ज़िगलर और मैंडी रोज जो है वो डिनर कर रहे हैं बैठ के पहले से ही, और ओटिस जो है यहाँ पे पूरे तरीके से मायूस हो जाते हैं। वो अपने फूल जो है वहीं जमीन पर फेंक कर वापस चले जाते हैं। तो ये स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर रही है WWE, और मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि इसकी एक हैप्पी एंडिंग इतनी आसानी से होने नहीं वाली है। और मुझे लगता है ओटिस और डॉल्फ ज़िगलर के बीच में कुछ स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है, और मैंडी रोज जिस तरीके से स्टोरी में इन्वॉल्व है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे भी ये प्रोग्रेस करेगी, WWE ने एक अच्छा काम किया, कितने समय से लोगों को इंतजार कराया और फिर से क्लिफ हैंगर दे दिया ताकि लोग फिर से वेट करें कि ओटिस और मैंडी रोज में क्या होता है। तो अच्छी सेगमेंट थी ये बहुत, लेकिन ओटिस के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो मैंडी रोज के साथ डेट पर नहीं जा पाए। उसके बाद मेन इवेंट में हमारे को मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले दो पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूं कि बैरन कॉर्बिन को इस शो के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक फैन को अटैक करा था, लेकिन तब भी वो आ जाते हैं टिकट खरीद के इस शो में, जो कि टिपिकल WWE है, और वो कमेंट्री पर बैठ जाते हैं आके। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रोमन रेंस के मिस्ट्री पार्टनर हैं वो होते हैं डैनियल ब्रायन, और हमें मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट जॉन मॉरिसन एंड द मिज, जो कि रोमन रेंस की टीम जीत गई। ये भी हमने सोचा ही था कि ऐसा होने वाला है, रोमन रेंस स्पीयर लगा के जीत जाते हैं इस मैच को मिस पर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बैरन कॉर्बिन आते हैं और अपने सेप्टर से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पर। तो बहुत ही ज्यादा डल एंडिंग थी शो की, कुछ खास मुझे दिखा नहीं, और मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ ये रोमन रेंस बैरन कॉर्बिन वाली चीज पर, तो मुझे इतना एंटरटेनिंग है कभी भी नहीं लगता। तो ये शो इस तरीके से हुआ खत्म। बहुत सारी चीजें ठीक थी, कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार थी। मिक्स शो था, मिक्स बैग ऑफ शो। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी क्राउड और ओटिस वाली सेगमेंट, तो इसको मैं रेट करना चाहूंगा 6.5 out of 10। अपनी रेटिंग मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।